नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह आपको बताना चाहूंगा कि एक फर्स्ट एड क्या चीज होती है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं है जी, फर्स्ट एड एक मदद है। मदद कैसे की जाती है, किसको की जाती है, देखिएगा हमारे पास जो चीजें उपलब्ध हैं उसका इस्तेमाल करते हुए किसी की जान बचाएंगे, उसका इस्तेमाल करते हुए आगे की कॉम्प्लिकेशन ना हो उसको कम करेंगे। और हम हमारा मुद्दा यही रहेगा कि अस्पताल में पहुंचने के पहले हम हमारे मरीज को कम से कम उसको वेदना हो, कम से कम उसको पीड़ा हो, और जितनी जल्द हो सके हम उसको अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी बहनों से ये बताना चाहूंगा कि एक छोटे बच्चे को जब बुखार आ जाता है और दोपहर के समय पे डॉक्टर नहीं मिलता या बहुत बारिश हो रही है और हम बाहर जा नहीं पाते हैं, तो घर में हम बुखार कैसे उतार सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, देखिएगा आप। ये रहा हमारा लेडीज हैंकी, जिससे कि हम आपको बता दें कि बच्चे का बुखार कैसे उतारा जाता है। इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी लेंगे, सादा पानी लेंगे, बर्फ वाला पानी नहीं लेना है। नमक आपको डालना है आप डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। सादा पानी इसलिए ताकि ज्यादा ठंडा पानी अगर हम ले तो बच्चे के दांत कटकट कटकट करने लग जाते हैं। ये है लेडीज हैंकी, हमने पानी में लिया, निचोड़ दिया और यहाँ पे रख दिया। तो ये जो लेडीज हैंकी हम यूज करते हैं जी, ये एक गलत तरीका है। सही तरीका क्या है अब हम आपको बताएंगे। सही तरीके के लिए आपको बड़ा हैंकी लेना है या एक अच्छा टॉवल लेना है। जेंट्स हैंकी मिलता है, ये हमारा जेंट्स हैंकी है जी, बड़ा वाला। इसको भी हम थोड़ी सी घड़ी कर लें, ऐसे लंबा कर लें और अब हम बच्चे के सर पे ऐसे रख दें। बुखार का उतारने का या कम होने का या टेम्परेचर कट होने का जो टेम्परेचर भगवान ने हमें दिया है वो यहाँ पे होता है कान पट्टी के ऊपर। इसको हम एरिया को कहते हैं टेम्पल एरिया। यहां तक अगर पानी का सेक नहीं आता जी, बुखार नहीं उतरता। और अगर बुखार नहीं उतरता तो बच्चा आकड़ी मार देता है, इसको हम कन्वर्जन कहते हैं। और एक ध्यान में रखिएगा, जो भी कुछ दिमाग में हो जाता है, बच्चे की आंकड़ी हो जाती है, कन्वर्जन हो जाती है, मिर्गी जैसी फिट आने को लग जाती है, तो या तो उसकी आंखें घूम जाती हैं या वो अपनी जबान काट लेता है। तो मेरी दरखास्त है आप सभी से, या तो आप ऐसा बड़ा वाला हैंकी यूज करें या फिर आपके पास एक मोटा ऐसा टॉवल होगा तो आप उसको ऐसे टॉवल को भी छोटा घड़ी करके अच्छे से पानी में भिगा के आप ऐसे रख सकते हो। जितना ज्यादा मोटा कपड़ा होगा उतना ज्यादा पानी का ठंडे का सेक मिलता है और बच्चे का बुखार उतारने की कोशिश करता है। डॉक्टर की उपलब्धि ना हो, आप बाहर ना जा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो हम ये घर में छोटा सा एक फर्स्ट एड कर सकते हैं। ये है बुखार उतारने का तरीका। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ इस लेडीज हैंकी को ऐसा छोटा करके और छोटा करके इसको रिवेन्यू स्टैम्प बना के ना रखें। आप अगर ऐसा रखते हैं तो बिल्कुल भी बुखार नहीं उतरेगा। और ये बुखार उतारने के लिए ध्यान में रखें, आप ऐसी छोटी चिंदी ना लें, आप बड़ा रुमाल लें या बड़ा टॉवल लें। दवाई गोली देने की कोई गुंजाइश नहीं है, आप अपना इलाज ना करें, यह हमारी रिक्वेस्ट है हमारी पूरी जनता से। अब काफी बार ऐसे हो जाता है कि काफी सारी माताएं हमें पूछती हैं कि डॉक्टर साहब ये पानी की जो पट्टी है कितने दिन रखने की, कितने घंटे रखने की। मैं आपको इतला कर दूं, ये आधा घंटा तक अगर हम रखें तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। मेरी और रिक्वेस्ट है सभी से, ये बुखार उतारने के समय पानी की पट्टी रखने समय ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक फर्स्ट एड है, प्राथमिक सहायता है, उपचार नहीं है। तो मुझे ये कहना है आपको कि जिस समय आपको लगे कि बच्चे का बुखार उतर गया है, शाम को जरूर डॉक्टर के पास ले जाएं और इतला कर लें कि क्या टाइप का इन्फेक्शन है। ऐसा ना हो जाए कि शाम को बुखार उतर गया है, रात को फिर चढ़ जाए और फिर आप पानी की पट्टी रखें, रात टाइम बे टाइम बारिश का समय हो और आप बाहर ना जा पाए हो, बच्चा सीरियस ना हो जाए, पेशाब में जलन हो रही है या उल्टी हो रही है या दस्त हो रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे इन्फेक्शंस काफ़ी सारे हमारे देश में होते रहते हैं और उसके कारण बुखार चढ़ जाता है, बच्चा सीरियस ना होने पाए। बुखार आपने उतार दिया है, बच्चा बाहर जाने के लायक हो गया है, तो ज़रूर उसको अस्पताल आप ले जाएं। ये हमारी रिक्वेस्ट है हमारी जनता से। इस बुखार उतारने की तरकीब में और एक सलाह हम देना चाहेंगे आपको, जब तक आपने सर पे पानी की पट्टी रखी है ऐसा जो टॉवल होता है उसको भी गीला करके दोनों हाथों पर आप रख सकते हो, क्योंकि हम इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलते हैं, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जितना आप उसको पानी से एक्सपोजर दोगे वो जो कूल होगा बुखार हमेशा उतरेगा। एक टॉवल इस हाथ में रख दें, एक टॉवल उस हाथ में रख दें, हो सके तो ऐसा वाला एक छोटा सा टॉवल यहाँ पे मांडी पे भी आप रख सकते हो। अगर हम किसी पिकनिक में गए हैं, होटल में गए हैं और कहीं वहाँ पे कुछ हुआ है हमारे परिवार के सदस्य को, ऐसा नहीं है कि ये बुखार सिर्फ बच्चों के लिए ही उतरेगा, बड़े लोगों के लिए भी यही तरकीब होती है। तो देखिए कितनी छोटी सी चीज़ थी, एक टॉवल और एक नैपकिन से हमने हमारे घर में ही अपने बच्चे के बुखार उतारने की आज तरकीब सीखी है। फ्रेंड्स देखिएगा, ये सब करने की गुंजाइश कब पैदा होती है, जब एक अम्मा को पता चल जाता है या घर वालों को पता चल जाता है कि बच्चे को बुखार है। बच्चे को बुखार है कैसे पता चल जाता है, वो चिड़चिड़ा होता है,
खेलता नहीं है, खाने के लिए नहीं आता, पानी नहीं पी लेता और बिस्तर पे सुस्त पड़ा रहता है। तो काफी सारी बहनें हमें प्रश्न पूछती हैं कि सर अगर हमारे पास थर्मामीटर है तो कैसे पता चलेगा कौन से बुखार में कितना उसको पानी का पट्टी रखना है। तो ये जो थर्मामीटर है यंत्रण हमारे पास, ये ध्यान में रखिएगा, आजकल पारे के थर्मामीटर खत्म हो चुके हैं क्योंकि पारा की पॉइजनिंग हो जाती है। तो आजकल ये डिजिटल थर्मामीटर्स मिलते हैं, ये हम बता दें आपको, बस बटन दबाइएगा और उसके काखे में रखिएगा, एक्सिला में, ये यहाँ पे रखिएगा। और ये रखने के समय पे ध्यान में रखिएगा, हाथ को ऐसे रखिएगा क्योंकि अगर उसका दबाव नहीं आएगा तो उसका टेम्परेचर नहीं पता चलेगा। लेकिन और एक इतला हम आपको कर दें, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 1 डिग्री मुंह से कम होता है। अब आप पूछोगे पानी की पट्टी रखने की जरूरत क्या है, कब रखें हम, बहुत ही सुंदर सवाल होता है ये, हम आपको बता दें। किसी बच्चे को 99 टेम्परेचर भी सूट करता है, किसी बच्चे को 101 भी सूट करता है। लेकिन एक ध्यान में रहे, कौन सा बच्चा को कब बुखार नहीं सूट करेगा, वो कब आकड़ी मार देगा, किसी को पता नहीं है। तो मुझे ये कहना है कि अगर अम्मा को पता चल जाए कि बच्चा काफ़ी गर्म है और आपको लग रहा है कि उसकी आंखें भी थोड़ी सी लाल दिख रही हैं और वो ज़्यादा ही सुस्त लग रहा है, पानी की पट्टी आप रख दें बुखार उतारने के लिए। क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि हमारे पास घर में थर्मामीटर होता ही नहीं है। अभी बुखार जो होता है वो ऐसा नहीं देखा जाता, वो ऐसा देखा जाता है क्योंकि ये जो भाग है हमारा स्किन का वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो उससे तुरंत पता चल जाता है कि बुखार है। तो जैसे ही आपको लगता है कि वो ज्यादा ही गर्म लग रहा है, आप उसको बुखार उतारने की कोशिश करें, थर्मामीटर हो या ना हो। थैंक यू।